नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे चीड़ के पेड़ों की। पहाड़ों में लगभग हर जगह आपको लंबे और सुंदर चीड़ के पेड़ दिखाई दे जाएंगे, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि ये पेड़ मूल रूप से भारत के नहीं हैं। ये पेड़ भारत में अंग्रेजों द्वारा लाए गए थे। आज ये पेड़ भारत के लगभग हर पहाड़ी राज्यों में, जैसे कि हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और भी कई पहाड़ी राज्यों में दिखाई दे जाएंगे। लेकिन ये पेड़ भारत के अलावा उत्तरी यूरोप, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अफ्रीका, फिलीपींस, जावा, सुमात्रा, म्यांमार, कई जगहों पर पाए जाते हैं। उत्तराखंड में कुछ लोग इन्हें पहाड़ों का अभिशाप मानते हैं तो कुछ लोग इन्हें पहाड़ों का वरदान भी मानते हैं। इसके पीछे भी बहुत से कारण हैं। तो चलिए फिर जानते हैं उत्तराखंड में ये चीड़ के पेड़ कैसे आए और इनसे क्या फायदे और क्या नुकसान हैं। दोस्तों, 18वीं सदी में जब यूरोप विज्ञान के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ रहा था, तब उस समय ही उन्होंने चीड़ के पेड़ों को बहुत ही फायदेमंद पाया, क्योंकि ये पेड़ आसानी से उग जाते हैं, इनको ज्यादा देखरेख की जरूरत नहीं पड़ती, इनकी लकड़ी का इस्तेमाल कई जगहों पर किया जाता है, इससे निकलने वाला लीसा बहुत ही काम का होता है और ये पहाड़ों पर बड़ी ही आसानी से फैल जाते हैं। इसलिए जब अंग्रेज भारत आए तो वो अपने साथ चीड़ के पेड़ के पौधे भी लेकर आए और उत्तर भारत में इन पेड़ों को लगाना शुरू किया। अंग्रेज लोग इसकी लकड़ी का प्रयोग रेल की पटरियों में किया करते थे, लकड़ी के फर्नीचर बनाने में किया करते थे और घर बनाने में किया करते थे, और इसके अलावा इसका एक और प्रयोग लीसा के रूप में कई केमिकल्स में होता है। लेकिन आज इसका उपयोग ना के बराबर है, क्योंकि ये पेड़ इकोसिस्टम के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जिस जगह पर चीड़ के पेड़ होते हैं वहां पर कोई और पेड़ पौधा उग नहीं पाता और इसे ना तो पशु खाते हैं, ना पक्षी और ना कोई कीट पतंगे। इसके अलावा पहाड़ों पर हर साल लगने वाली आग का बड़ा कारण भी चीड़ के पेड़ ही होते हैं, क्योंकि इससे भारी मात्रा में पिरुल गिरता है जिसे कोई जानवर भी नहीं खाता। अगर इस पर आग लग जाए तो पूरे जंगल में आग फैल जाती है। उत्तराखंड में तो आपको लगभग हर पहाड़ी इलाकों में ये पेड़ देखने को मिल ही जाएंगे। वैसे इसके जंगल देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और ये पहाड़ों पर आसानी से उग भी जाते हैं। उत्तराखंड में बहुत ही कम लोग इस बारे में जानते हैं कि चीड़ का पेड़ मूल रूप से भारतीय पेड़ नहीं है, इसे यूरोप से यहाँ लाकर विकसित किया गया है और अब सरकारें इसके पिरुल का प्रयोग बिजली बनाने में करने लगी है। तो आशा करता हूँ सरकारें आने वाले समय में इन पेड़ों का यूज किसी अच्छे कामों में करे, ताकि पर्यावरण और स्थानीय लोग दोनों को फायदा हो। वैसे जो हमारे इस चैनल पर पहाड़ी लोग हैं, उन्होंने तो अपने आसपास इन पेड़ों को जरूर देखा होगा। तो दोस्तों, क्या आप भी ये बात जानते थे कि चीड़ के पेड़ उत्तराखंड या भारत के नहीं हैं, बल्कि ये अंग्रेजों के साथ यहाँ पर लाए गए थे? अगर जानते थे तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। और हमारा ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। हम अपने इस चैनल पर इसी तरह की जानकारियाँ देते हैं, तो अगर आप भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो दोस्तों, इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।